अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, वोटिंग शुरू हो चुकी है, किस तरह का शुरुआती रुझान नजर आ रहा है मतदाताओं में? देखिए, वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और अभी मतदाता जो है वो उतने बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पे नहीं आए हैं, लेकिन बात करें तो जैसे ही दिन चलेगा मतदाता जो है वो मतदान केंद्र पे पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है आज लोकतंत्र का बड़ा दिन है रुपौली के लिए, क्योंकि उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव जो है वो उसको लेकर के मतदान जो है वो शुरू भी हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और बड़ी संख्या में जो पुरुष मतदाता हो या महिला मतदाता हो सभी जो है अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। और बड़ी संख्या में मतदाताओं से अपील भी किया है सभी पार्टियों ने कि आप जो है अब अपने मत का इस्तेमाल करें मतदान केंद्र पे निश्चित तौर पे। और उसी को देखते हुए यहाँ पे जो मतदाता है वो थोड़े देर में कतार उनकी शुरू होगी। हालांकि अभी की बात करें, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है वो मतदान केंद्र पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि ग्रामीण इलाका है और लोग जो है वो थोड़े अपने दिनचर्या जो है उसके अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही मतदाता हमें तैयारियों की बात करें, तैयारियां कितनी कर ली गई हैं, सुरक्षा के कितने व्यापक इंतजाम हैं? पहुंचने आसरी होंगे। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और खुद कह सकते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला था। जेडीयू के जो प्रत्याशी है कलाधर मंडल, उनको जीत मिले इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला था। दूसरी तरफ जो रुपौली के पूर्व विधायक हैं बीमा भारती, वो जीत सुनिश्चित करें इसके लिए तेजस्वी ने यहाँ पे कैंप किया था। चुनाव जो है उसके आखिरी दिन प्रचार प्रसार करने आए थे और बीमा भारती जो है अपनी जीत को लेकर के पप्पू यादव का भी उन्होंने साथ मांगा है। पप्पू यादव ने भी उन्हें साथ देने का एक तरह से कहे तो घोषणा कर चुके हैं और जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव एक बार कैमरा पीछे